नहीं है उनको अवार्ड मिलेगा। अब मैं आपको थोड़ा उनके बारे में बताना चाहता हूँ, सुनना चाहते हो? और मार्क्यूस का नाम मार्क्यूस दीपेश जी, जो कि एमपी से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। और मैं आपके साथ में एक वीडियो शेयर करूंगा उनकी, ठीक है। और मुझे लगता है कि पूरी वीडियो शायद ही कोई आंखें बिना भीगे देख सके, और वो रियलिटी है। वो क्यों बोल रहा हूँ मैं, उस इंसान ने बहुत मेहनत करी, बहुत एफर्ट करा, उसके पास बहुत कम टाइम था, बहुत कम टाइम था अपनी जिंदगी जीने के लिए। इसका मतलब ये कि वो जो पर्सन है वो इस दुनिया में नहीं है, वो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो मार्क्यूज है। लोग जीते जीते बूढ़े हो जाते हैं, जीते जीते बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन शायद वो चीजें नहीं कर पाते जो बंदा आज मर के कमा रहा है। उस बंदे की जो लास्ट इनकम थी पिछले मंथ की, जो इस दुनिया में नहीं है, जो आज उसकी इनकम उनकी फैमिली को जाती है, अपनी फैमिली के लिए इतना कर गया बंदा, 1,05,000। वो बंदा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम नहीं बोलेंगे, वो हमारे साथ है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए। तू हुक्म तकरदारे असी दिंदे जानिया, पर तैनू जिंदगी चो ना दिंदे जानिया। तू हुक्म तकरदारे असी दिंदे जानिया, पर तैनू जिंदगी चो ना दिंदे जानिया। हो गया मैं तो दूर क्यों चल दे रहे यार अगले शिकवे, जानो प्यारे बिछड़न दे गाने टकाने यार दिल टिकले। जानो प्यारे बिछड़न दे कदों नहीं टिकाने यार दिल टिक दे। मरते दम तक नाल खड़ू गल्लां तेरियां हार गई, अंजू परन गवाइयां वे तेरे मेरे प्यार की। तेरी यारी इन्नी ही क्यों सी मेहमान यारा, पर तैनू जिंदगी चो ना दिंदे जान यारा। तू हुक्म तकरदा रे असी दिंदे जान यारा, पर तैनू जिंदगी चो ना दिंदे जान यारा। जिंदगी चो ना दिंदे जान यारा।
तू हुक्म तक करदा वे असी दिंदे जान यारा पर तैनू जिंदगी चो ना दिंदे जान यारा पर तैनू जिंदगी चो ना दिंदे जान यारा तू थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का थैंक यू बंदा ना होकर भी होना चाहिए है ना, तो बंदा वही होता है। आज वो हमारे बीच है, उनकी फैमिली हमारे बीच है, उनके भाई, उनकी फैमिली, उनके पापा आ जाए होंगे, तो मैं उन लोगों को इनवाइट करना चाहता हूँ इस जगह पे, इस मंच पे। तो जिस तरीके से हमने दिपेश को दिपेश के लिए खड़े हुए हैं, उन्हीं के लिए भी आगे 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 प्यार उनकी और उनकी फैमिली की ताकत है। थैंक यू सो मच। आप लोग अपने सीनियर को इतनी रिस्पेक्ट करते हो, हाँ, मार्क्यूस दिपेश को, मार्क्यूस दिपेश सीनियर को हम बैच लगाएंगे, ठीक है, बस 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 बच्चे बस बस हम उनको बैच लगाएंगे, उनको हम अवार्ड देंगे, ठीक है। थोड़ी सी मैं बातें बताता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था। वो बंदा बाइक के बहुत शौकीन है, आपके जो यहाँ के एमपी मध्य प्रदेश के लोग हैं, तो उसने बाइक परचेज करी, उस टाइम वो मार्क्यूज नहीं था, ठीक है, प्री मार्क्यूज था, एक्सीडेंट हो गया, पीजीआई में भी एडमिट रहा, तो लास्ट टाइम था, क्या कर सकते हैं जब परमात्मा की मर्जी हो, है ना। लेकिन फिर भी जाने के बाद भी वो मार्क्यूज बना, ये सबसे बड़ी ताकत है। आज वो हमारे बीच है, तो मैं बुलाना चाहता हूँ जितने भी हमारे चीफ गेस्ट हैं, मार्क्यूज ड्यूक सीनियर, हम सभी उस पर्सन को बैच लगाएंगे और उस पर्सन को अवार्ड देंगे। सभी अंकल ये बनाना ऐसे पकड़ के रखना, इसे पकड़ के रखना, बनाना आगे थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। इतने लोग हैं, मैं उनके मम्मी पापा को यह कहना चाहता हूँ कि आपका दिपेश अकेला बेटा नहीं था, ठीक है, आपके कितने बेटे हैं, आपके उस तरफ भी है और आपके इस तरफ भी है, ये है आपकी फैमिली, आपकी फैमिली बहुत बड़ी है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि
ड्यूक सीनियर, ड्यूक नवी सीनियर बैच से लगा दें दीपेश को। मार्क्स अवार्ड भी दिया जाए, मार्क्स अवार्ड। हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते उनके बारे में, हम सिर्फ एक चीज कर सकते हैं, हम सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं, हम करते हैं एक ही चीज कर सकते हैं, हम सिर्फ 30 सेकंड का मौन व्रत रखते हैं, बोलेंगे नहीं 30 सेकंड तक। Thank you so much. हम सभी फोटो कर लेते हैं, ये ग्रुप फोटो कर लेते हैं सभी, हम सभी फोटो कर लेते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, और एक बार सब जोरदार तालियां बजाएंगे हमारे सभी मार्किस के लिए जिन्होंने मार्किस रैंक अचीव की है और आज जिनके लिए हम यहाँ पर आए हैं। Thank you so much. Thank you so much. हमारे सारे चीफ गेस्ट अपने अपने स्थान ग्रहण करें एंड थैंक यू सो मच। हेलो, आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज बैठ जाइए एंड सभी बैठ जाएं क्योंकि मैं आपके सामने कम शब्दों में एक ऐसे इंसान की आत्मकथा सुनाने जा रहा हूं जो वास्तव में मैं आज उसका बड़ा भाई हूं, उनका बड़ा भाई हूं, लेकिन मैं तो उसको भगवान मानता हूं। कुछ वो शब्द आपके सामने शेयर करूंगा
युवा जनरेशन सभी बैठे हैं, उनको बताऊंगा जो अक्सर मुझसे वो कहा करता था। इस इंडस्ट्री से पहले मैं थोड़ा अपना फैमिली बैकग्राउंड बताऊंगा। मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं, या आपके मार्क्यू श्री दीपेश राजा बुंदेला जिस गांव से बिलोंग करते थे, उस गांव में केवल आप उसका पिछड़ापन देख सकते हैं। गांव आज भी उस गांव में कच्ची सड़क है, समझते हो ना, पक्की नहीं है। और एजुकेशन की बात की जाए तो गांव में प्राइमरी विद्यालय है केवल, मिडिल स्कूल नहीं है। ऐसे गांव से बिलोंग करते थे। फैमिली की बात की जाए तो हमारे पिताजी हैं और भगवान भी हैं हमारे, उनके नाम केवल 2 एकड़ जमीन है, वो भी नाम नहीं है, हमारे ग्रैंडफादर के नाम है। 2 एकड़ जमीन है। हम 3 भाई हैं, 3 भाइयों को पढ़ाया, किस मेहनत से यहां तक पहुंचाया शब्दों में बयान नहीं कर सकता, शब्द नहीं है मेरे पास, शब्द नहीं है ऐसे पिता के लिए। मैं उस समय की बात करता हूं जब इनके अपलायंस सीनियर श्री मार्क्यूज लक्की सीनियर जी, जो दीपेश सीनियर के पहले उनका बेस्ट सेरेमनी हुई, सभी परिचित हो गए, उनने चंडीगढ़ में आमंत्रित किया था और वहां पे इन्हें ट्रेनिंग लगाई, अप्रूवल पास किया वकील, और अप्रूवल पास करने के बाद फोटो ले अपन सारे भी ज्वाइनिंग के लिए मुझसे पैसे मांगे। सबसे पहले रियल घटना है, सत्य बोल रहा हूं, जल्दी लड़ा फिर एक उस व्यक्ति की याद में जो सच्ची घटना है। तो मैं अपने बारे बताता हूं एक लाइन में कि मैं एक टीचर था प्राइवेट विद्यालय, मतलब नौकर था, आज की दुनिया में उसको जॉब बोलते हैं, यस है नो, जॉब बोलते हैं, सभी पसंद करते हैं जॉब करना, मैक्सिमम लोग करते भी है, रियलिटी बता रहा हूं। मैं भी नौकर था, मेरी भी सोच नौकर की थी, मैंने मना कर दिया, बहुत सी इंडस्ट्री जाती है ऐसी, मुझे नहीं करानी, तुम तो आओ, तुम्हारा फिजिकल अच्छा है, तुम किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो, होशियार भी हो, टैलेंट भी है, निकाल सकते हो। उसने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आ जाऊंगा। फिर पापा से उसने ऐसी चीज बोली कि पापा अगर मुझे एक बार आप कुछ बनने का मौका दो तो मेरी ज्वाइनिंग करा दो टीवी में, असॉर्ट ज्वाइन करा दो, क्योंकि हमारे फादर से इतना बिलीव करते थे, हम सब बिलीव करते थे, लेकिन मैंने उस समय नहीं किया क्योंकि मैं नौकर था, मेरी सोच नौकर की, क्योंकि नौकर की सोच हमेशा नौकर की होती है, ये याद रख लेना, कितना ही बड़ा नौकर हो, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, छोटा नौकर बड़े नौकर की सोच रखता है। तो मेरी नौकर की थी, लेकिन उसने क्या कहा, जहां नौकर की सोच रखते हैं वहां मैं अलग करके दिखाऊंगा, मुझ में वो जज्बा है, मुझ में वो जोश है, पापा ना कि मुझे अपने बेटे पर विश्वास है और ज्वाइनिंग करा दी। ज्वाइनिंग कराने के बाद मैं तो नहीं गया, दिन रात मेहनत की और आज हमारे बीच नहीं होते हुए भी इंसान अधिकतर अपनी पूरी लाइफ निकाल देते, अपने गांव में पहचान नहीं बना पाते। आज इस बैच को देखकर आप लोग के दिल में, हर एक दिल में दीपेश याद आ रहा होगा। ए मैं वो नौकर नहीं हूं जो एक स्कूल में जॉब करता था, ए एक वो बिजनेसमैन है जो हमेशा बड़े सपने देखता था, एक ए वो प्लेटफॉर्म है, एक असॉर्ट वो प्लेटफॉर्म है जिसने उस बिजनेसमैन के सपनों को साकार किया, प्लेटफॉर्म दिया और आज इस स्टेज पर खड़ा किया। मैं
असॉर्ट कम्युनिटी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी भी नौकर की सोच खत्म कर दी आज इस स्टेज पर बुला के। मैं हृदय से एक बार फिर मार्क्यूज दीपेश राजा को दिल से याद करता हूं कि आप जैसा जज्बा हर एक इंडिया के नौजवान में होना चाहिए। अगर ऐसा जज्बा लेके पैदा हो गए तो आप दुनिया में असंभव चीजों को संभव भी कर दोगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया में कोई असंभव नहीं है, ये मार्क्यूज दीपेश राजा ने सिद्ध किया है। क्योंकि जब उन्हें बैच लगा था, एक मार्क्यूज एक शो हुई थी, तब वो इस दुनिया में नहीं थे। दुनिया से अलविदा होने के बाद इस रैंक को अचीव किया था। मैं बार बार उनको सर नमस्कार करता हूं। आप लोगों से भी यह रिक्वेस्ट करता हूं कि उस जज्बा को कायम रखें, उन दीपेश के शब्दों को याद रखें, जो भी हमारे सीनियर्स हैं, मेरे डाउनलाइन सीनियर्स, मेरे अपलाइन सीनियर्स को भी मैं थोड़ी देर बाद थैंक्स बोलूंगा दीपेश के शब्दों में, लेकिन डाउनलाइंस को भी मैं बार बार थैंक्स बोलना चाहता हूं, जिन्होंने दीपेश को इस दुनिया से विदा तो दे दी लेकिन दिल से जुदा नहीं किया कभी। आज हमारे बीच में इस मंच पर दीपेश खड़ा है इस बैच के साथ। इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी हमारे ट्यूब सीनियर्स बैठे हैं, जिनसे मिलने के लिए, शायद जिनके दर्शन के लिए मुझे दूसरा जन्म लेना होता, लेकिन उन्हीं ट्यूब सीनियर्स ने आज मुझे बैच लगाया इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर। मैं अगेन अगेन सब नमस्तक करता हूं ऐसे सीनियर्स को। उस दीपेश को भी थैंक्स कहता हूं, सर नमस्तक कहता हूं, जिसने मुझे वो इज्जत वो शोहरत दिलाई इस दुनिया से जाने के बाद। भगवान ऐसा भाई सबको दे। गॉड से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा भाई भगवान सबको दे। मेरे अपलायंस सीनियर दीपेश राजा के अपलायंस सीनियर श्री मार्क्यूज लक्की सीनियर जी का मैं बार बार धन्यवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने कड़ी मेहनत से दीपेश को जाने के बाद भी इस रैंक को अचीव कराया। मार्क्यूज गुरु भी मानता हूं श्री मोनिस राय जी, उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने उस इंसान को इस दुनिया से जुदा होने के बाद भी जुदा नहीं होने दिया। दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं ज्यादा सीनियर्स के नाम नहीं जानता, माफी चाहूंगा मैं अगर नाम ना ले पाऊं। मैं श्री मार्क्यूज समीर सीनियर जी को जैसे गुरु मैं मानता हूं। दीपेश किसको मानता था मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं समीर सीनियर को भी दिल से गुरु मानता हूं, जिनके संरक्षण में रहकर उसने इस रैंक को अचीव किया। मैं सीनियर का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं हमारे बिजनेस गुरु, अब मैं जिसको मानता हूं, आइडियली मानता हूं, हमारे इस बीच और हमारे इस इतने बड़े फंक्शन के ऑर्गेनाइज करने वाले श्री सर्वजीत मान सीनियर को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे बहुत कम शब्दों में इस स्टेज पर खड़ा होने लायक बनाया है। मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं सीनियर का। जो मेरी नौकर की सोच थी नौकरी कर करके, आज उस सोच को बदल के एक बिजनेस में ले आकर खड़ा किया है। मैं एक छोटे से विद्यालय में एक हेडमास्टर का पद होता है उस पर सुशोभित था, हेडमास्टर था, उसको रिजाइन करके आया और श्री सीनियर जी के मार्गदर्शक से आज बिजनेस को रन कर रहा हूं। और एक चीज और बताना चाहता हूं, जो अक्सर हम दोनों भाई बात किया करते थे, जब भी मैं दीपेश से बात करता था कि दीपेश यार कोई अच्छी सी जॉब देख लो,
उसने बोला डॉक्टर साहब जॉब का नाम बताओ। मैंने कहा यार कोई भी जॉब हो, टीचर की हो सकती है, कांस्टेबल की हो सकती है, सब इंस्पेक्टर की हो सकती है। उसने मुझसे प्यार से बड़े सुंदर शब्दों में मुस्करा के आंसर दिया, डाऊ साहब मैं एक दिन उन्हीं से सलूट कराऊंगा आपको। जिस जॉब के लिए आप बोल रहे हो तो मैं उन्हीं से आपके सामने सलूट कराऊंगा। मुझे विश्वास नहीं था लेकिन आज विश्वास है और गर्व भी साथ में, और गर्व भी साथ में। वो युवा सोच, वो युवा जुनून, वो युवा जज्बा, वो युवा आग जो हर एक युवा में होती है, हर एक युवा में होती है, आज मैं उनको श्री दीपेश के शब्दों में बता सकता हूं कि उस आग को जलाओ, अपने आप को देखो कि मैं क्या कर सकता हूं। मैं मार के उस श्री दीपेश राजा डेथ होने के नाम हो गया दिन 11 मंथ में अचीव किया था मार्क्यूज रैंक को, आप उसी रैंक को उससे कम समय में कर सकते हो। आप में वो जज्बा है, वो जोश है, वो जुनून है, वो आग है, तो उस आग को केवल आपको जलाने की जरूरत है। अगर आपने जला ली, मैं विश्वास के साथ कहता हूं इस सारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी हमारे सीनियर्स अपलाइन डाउनलाइंस मार्क्यूज डीप सीनियर्स सुपर डीप सीनियर्स जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं, उनके सामने मैं सभी से ये विश्वास से कह सकता हूँ कि आप में अगर सच्ची मन से इस असोर्ट को पहचान लिया, इस असोर्ट की पावर को जान लिया, इस डीबीए की पावर को जान लिया, तो एक दिन देश में नहीं विदेश में अपनी पहचान बना लोगे।